थर्टी और 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट और सेकेंड हमने उसकी बात की थी ठीक है एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है जिसके आज हम डिस्कशन करेंगे उसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बिकॉज थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ठीक है तो ऑल टुगेदर इट वाज ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज थी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट इनका निकला नहीं ठीक है देन इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कम्युनल अवार्ड्स एंड पूना पैक्ट हमने लास्ट किया था ठीक है तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारी टुडे विल बी कवरिंग फ्रॉम 1932 टू 1940 तो 32 में जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दैट इज़ दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली ठीक है एंड अगेन थर्ड टेबल थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये भी लंदन में हुई थी ठीक है और इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस वॉज नॉट देयर कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था हुई कब थी टाइम पीरियड वॉज नवंबर 1932 टू टू डिसंबर नाइनटीन ठीक है और क्योंकि इसमें कांग्रेस की पार्टिसिपेशन नहीं थी तो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये नहीं है ये जो टेबल कॉन्फ्रेंस है ठीक है एंड दी ओनली मतलब इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था एक्चुअली इसमें बी आर अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था ये इंपॉर्टेंट है याद रखना तेज बहादुर सप्रू ने पार्टिसिपेट किया था तेज बहादुर सप्रू जो है ये लिबरल पार्टी थी एक लिबरल पार्टी के ये लीडर थे ठीक है यहाँ पे तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट ओके okay. और बी आर अम्बेडकर जी जो है इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है मेन क्वेश्चन जो है ना ये गांधी जी पे आता है एक्चुअली कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी फर्स्ट की थी सेकंड की थी थर्ड की थी या नन या ऑल इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तो उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है गांधी जी ने अटेंड की थी बस ठीक है और क्यों अटेंड की थी आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट के के तहत जो है गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी या आप याद रखिएगा ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय कांग्रेस और जिसमें गांधी जी ने जो है उनको रिप्रेजेंट किया था और साथ में जैसे सरोजनी नायडू जैसे या मदन मोहन मालविया जैसे और प्रोमिनेट लीडर्स भी इन्वॉल्व थे ठीक है तो ये चीज आप याद रखिएगा ओके नेक्स्ट देखिए इस थर्ड टेबल टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आरटीसी इसका एक रिजल्ट था कि जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है ठीक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइव इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट तो मैंने पहले ही बताया कि जो एक्ट्स हैं ये मैं ऑन एल कम विद वंस अभी हम पहले ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करा देती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर फोर्टी सेवन तक ठीक है इंडिपेंडेंस uh, तक हम पूरा इसमें देख लेते हैं उसके बाद जो है मैं एक जो भी कॉन्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे जैसे एटीन फिफ्टी सेवन तक हमने डिस्कस कर चुके हैं एटीन फिफ्टी सेवन के बाद के जो कॉन्स्टिट्यूशन सारे जो रिफॉर्म्स हैं ये एक पूरे वीडियो में मैं कंपाइल्ड उसमें सारा बता दूंगी ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव भी उसमें मैं इलाबरेट करके अच्छे से डिस्कस करूंगी तो अभी आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक हमारा नाइनटीन फिफ्टी हमारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हमने अडॉप्ट नहीं किया था इंडिपेंडेंस के बाद यानी नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद फोर्टी सेवन से लेके फिफ्टी तक ठीक है फोर्टी सेवन से लेके फिफी तक हम नाइनटीन थर्टी फाइव गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चल रहा था ठीक है दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो नाइनटीन फिफ्टी के बाद फिर जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो बनाया गया था तो उसके बाद तो फिफ्टी के बाद हमने यही हमारे यहाँ पे जो है चला लागू हुआ उससे पहले जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी के अकॉर्डिंगली ही चल रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो एक्ट है इस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे वॉइस रॉय वॉज विलिंगडन जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्टी तो इंडियन इंडिया में वॉइस रॉय जो है विलिंगडन था ठीक है और ये जो एक्ट है एक तो ये साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसका आउटकम था और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका आउटकम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि काफी देर से कोई रिफॉर्म्स आए नहीं थे तो ये जो रिफॉर्म है नाइनटीन का इसलिए लाया गया एंड अगेन इस ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन था इसको रिजेक्ट किया कांग्रेस ने फिर से इसको जो है रिजेक्ट कर लिया कर दिया गया क्यों रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि अभी तक देखिए जो कांग्रेस की जो एम है वो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो चुकी थी अब यह बात हो रही थी कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की जो बात है ये लाहौर सेशन में उठी थी लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है पूर्ण स्वराज की बात की थी और अब जो है गवर्नमेंट अब जो है कांग्रेस की जो एम है वो पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो चुकी थी अभी तक ठीक है तो पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो छोड़िए 1935 के एक्ट में तो डोमिनियन दो, दो, स्टेटस की भी बात नहीं की गई डोमिनियन स्टेटस जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डोमिनियन स्टेटस किसे कहते हैं कि जो पैरामाउंट पावर है वो ब्रिटिश की ही रहेगी लेकिन हाँ जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट होगी मतलब इंडियन

नहीं की गई थी इसीलिए जो है कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ वैसे तो ये एक्ट में मतलब लेटर ऑन ये हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे इसमें क्या क्या इसके प्रोविजन थे क्या फीचर्स थे मेन जैसे ये था कि इसमें क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन था प्रोविंशनल ऑटोनमी की बात की गई थी डायर की जो है वो बना दी गई थी सेंटर में तो पहले डायर की जो है वो प्रोविसेज के लेवल पे थी उसके बाद जो लेटर जो डायर की है वो सेंटर के लेवल पे हो गई ठीक है तो ये सब चीजें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नाइनटीन थर्टी में खैर बाद में हम इसको अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि डायर की है क्या है प्रोविंशनल मतलब क्या है ये सब विल विल डिस्कस लेटर ठीक है तो प्रोविंस क्या थे बेसिकली जैसे कि आज के टाइम पे हम स्टेट्स बोलते हैं ना तो उस टाइम पे प्रोविसेज थे या रीजन थे बस ये है इसमें ठीक है ओके तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द लखनऊ सेशन ऑफ ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस 1936 ठीक है तो लाहौर सेशन ऑफ 1936 आया ये क्या था देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना उसमें एक उसमें मतलब ये उसमें बात की गई इलेक्शंस की भी कि इलेक्शंस होंगे और कहां पे इलेक्शंस होंगे प्रोविंसेस में इलेक्शंस होंगे कहां पे होंगे प्रोविंसेस में इलेक्शंस होंगे जिसमें इन प्रोविंसेस इलेक्शंस में कांग्रेस वाज आल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कांग्रेस वॉज ऑल्सो गोइंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ये रखा गया था यह भी एक प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी फाइव में ठीक है अब इलेक्शन होने वाले थे कब होने वाले थे नाइनटीन थर्टी सेवन में जो है इलेक्शन होने वाले थे ठीक है तो अब कांग्रेस में यह बात हुई कि क्या इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है ठीक है तो इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है ठीक है ये जो है ये डिसाइड किया गया लखनऊ सेशन ऑफ आई एन सी इन नाइनटीन थर्टी सिक्स में तो इसके प्रेजिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू जिनके सपोर्ट में थे सुभाष चंद्र बोस जी ठीक है और यहाँ पे डिसाइड हुआ कि 1936 1937 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें मतलब ये डिसाइड किया गया कि 1937, 1937 के जो इलेक्शंस हैं वो कांग्रेस लड़ेगी ठीक है कांग्रेस विल फाइट इन द इलेक्शंस ऑफ 1937, लेकिन इलेक्शंस तो लड़ेगी लेकिन क्या वो मतलब इलेक्शन लड़के क्या वो गवर्नमेंट बनाएगी ये डिसाइड नहीं किया गया कि गवर्नमेंट बनानी है कि नहीं बनानी है क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट बनाते हैं सपोज कांग्रेस के जब आ, लीडर्स जब पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में और अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो इसका मतलब वो ब्रिटिश के अंडर काम करने के लिए उन्होंने यस कर दी है इसका मतलब जो पैरामाउंटेंसी पावर जो है वो तो ब्रिटिश की ही है तो उनको ब्रिटिश के अंडर काम करना पड़ेगा उनको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करना पड़ेगा तो उनके फिर अगेंस्ट नहीं वो जा सकते है ना क्योंकि सेंटर में पावर तो ब्रिटिश की ही थी ये तो प्रोविंशनल अब ये इलेक्शंस किसकी किसकी थी 1937 का ये भी याद रखना कि जो 1937 थर्टी की जो इलेक्शन थी ना ये प्रोविंस की इलेक्शंस थी जो भी प्रोविंसेज थे थी, ठीक है जैसे बिहार था बंगाल था ठीक है इन जो सेंट्रल प्रोविंस था यूनाइटेड प्रोविंस था असम था ये सारे अलग अलग प्रोविसेज थे ना इनकी इलेक्शन थी अब अगर वो इलेक्शन में जीत जाते या इलेक्शन जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करते तो उनको ब्रिटिश के अंडर काम करना पड़ता अभी तक तो पून स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर चुके थे कांग्रेस मैन तो फिर कैसे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करते तो ये एक डिबेट की बात थी तो इस पर जो है ये ये डिसाइड किया गया लखनऊ सेशन ऑफ नाइनटीन में कि पहले हम इलेक्शन लड़ते हैं फिर देखते हैं कि क्या हमने गवर्नमेंट बनानी है या नहीं बनानी है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे ओके okay? ये दिस क्वेश्चन विल डिस्कस लेटर ओके तो उसके बाद आया जी फेजपुर सेशन ऑफ नाइनटीन थर्टी ठीक है 36 में ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शन uh, लड़ेंगे लेकिन गवर्नमेंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो बाद की बात है तो फिर 37 में ये डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट फॉर्म होगी अगेन ये जो 37 में फैजपुर सेशन था ये फैजपुर कहाँ पे है फैजपुर वाज इन महाराष्ट्र ठीक है प्रेजिडेंट फिर से जवाहरलाल नेहरू बनते हैं यहाँ पे 36 में भी जवाहरलाल नेहरू थे 37 में भी जवाहरलाल नेहरू बने प्रेसिडेंट ठीक है और इस सेशन में ये डिसाइड गया, किया गया कि यस जो जहां जहां पे भी इलेक्शंस जो है जीते हैं कांग्रेस ने वहां पे वो कांग्रेस जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी ठीक है दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट ये दैट देट वैट वॉज डिसवन ओके अब देखिए ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहे इन इलेक्शंस में हुआ क्या बेसिकली ठीक है इन इलेक्शंस में क्या हुआ तो ये जो इलेक्शंस थे ये प्रोवेंशनल इलेक्शंस थे जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1936 से 1937 तक ये जो है इलेक्शंस चले ठीक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे क्या है जी मजॉरिटी मिलती है ठीक है यहाँ पे क्या होता है मजॉरिटी जो है वो मिलती है कांग्रेस को इन मैक्सिमम ऑफ दी प्रोविंसेस ठीक है तो देखिए गवर्नमेंट ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से प्रोविंसेस में ग, ये कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी ठीक है कहाँ कहाँ पे जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आप कह सकते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कहाँ कहाँ फॉर्म हुई थी तो दैट वाज़ फॉर्मड इन बॉम्बे मैड्रास सेंट्रल प्रोविंस बिहार और बाद में जो है नॉर्थ वेस्ट वे फ्रंटर प्रोविंस में भी बनाया असम में भी बनाई ठीक है यानी कि आप इतना याद रखिएगा कि सभी प्रोविंसेस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई थी इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट सिंध एंड पंजाब सिर्फ सिंध और पंजाब को छोड़ के ठीक है बाकी सब जगह जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई थी ओके okay? अब मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था इस इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग आल्सो पार्टिसिपेटेड लेकिन मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री कहीं भी किसी भी प्रोविंस में नहीं बनी क्योंकि मुस्लिम लीग कहीं पे भी मुस्लिम uh, लीग की मेजोरिटी नहीं थी इनफैक्ट जो मुस्लिम्स डोमिनेटिंग uh, अगर पॉपुलेशन वाइज मैं बात करूँ जो मुस्लिम डोमिनेटिंग पॉपुलेशन की जो प्रोविंसेस थी वहाँ पे भी जैसे कि पंजाब ठीक है वहाँ पे भी मुस्लिम लीग की मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो मुस्लिम लीग कुड नॉट फाइन कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्री एनी तो दिस वॉज एक्चुअली ये मैं इसलिए यहां बता रही हूं क्योंकि ये भी एक रीजन बना था सेपरेट होमलैंड uh, मांगने का फॉर मुस्लिम्स क्योंकि मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं उनको लगा कि भाई हमें तो देखो ऑल इट्स ऑल अबाउट पावर अल्टीमेटली सारी बात पावर की सत्ता की जो बात है वो रहती है ठीक है कुर्सी की बात जो है अल्टीमेटली वही रह रह जाती है तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनको ये लगा कि क्योंकि आ, जो है हम कहीं पे भी उनकी पावर उन वो पावर में नहीं आए मिनिस्ट्रीज में नहीं बनी तो उनको लगा कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा आगे तो हमें तो कभी पावर मिलेगी नहीं हम तो कभी मिनिस्ट्री में आएंगे नहीं तो इस वजह से हमें एक सेपरेट होमलैंड शायद एक सेपरेट आ, जो है कंट्री आप कह सकते हैं इस टाइम तक तो खैर अभी सेपरेट कंट्री की खुल के तो बात नहीं हुई थी बट उनका आ, कहीं कहीं ना कहीं ये आइडिया आ चुका था कि सेपरेट होमलैंड लेते हैं तो शायद हम तभी पावर में आएंगे अदरवाइज हम पावर में नहीं आएंगे और देखिए वो लीडर्स पावर में आना भी क्यों चाहते थे ताकि कि जो मुस्लिम्स पॉपुलेशन जो है उनकी, उनके उनके इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड कर सकें या फिर उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को या पॉलिटिकल फ्यूचर को जो जो है सेफगार्ड कर सके फॉर इंडियन पॉपुलेशन फॉर फॉर मुस्लिम इंडियन पॉपुलेशन बेसिकली ठीक है तो चलिए ये था इन इलेक्शंस के बारे में अब देखिए ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज है 1937 से 19 तक अब हुआ क्या था देखिए ये इसको बेसिकली ये भी कहा जाता है ट्वेंटी ट्वेंटी एट मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस तो बेसिकली ये कितने मंथ्स तक रूल किया था कांग्रेस ने दैट वाज ट्वेंटी एट मंथ्स ठीक है ट्वेंटी एट मंथ्स का ये रूल था फ्रॉम थर्टी सेवन टू थर्टी नाइन उसके बाद फिर मैं आ, लेटर ऑन विल डिस्कस कि ये जितनी भी जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी इन सब ने एक साथ फिर रिजाइन दे दिया था नाइनटीन में ठीक है अभी हम आगे देखेंगे सब ने रिजाइन दे दिया था नाइनटीन में ओके नाउ अब यहाँ पे ये जो है ये मैंने इन मिनिस्ट्रीज के नाम लिखे हैं जहां जहाँ पे जो कांग्रेस है उनकी मिनिस्ट्री बनी थी ठीक है तो मद्रास में बॉम्बे में सेंट्रल प्रोविंस में उड़ीसा में बिहार में यूनाइटेड प्रोविंस में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और असम में इन सभी जगह कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी थी मैंने आपको कहा कि सभी प्रोविंसेज में बनी थी एक्सेप्ट सिंध एंड पंजाब ठीक है अब ये देखिए ये मैप है इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये मैप है जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी थी ठीक है तो मैंने आपको क्या कहा ये देखिए यहाँ पे ये जो ये ये जो स्काई ब्लू कलर जो है यहाँ पे ये प्रोविंसेस हैं जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रोविंसेस बनी थी जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी थी ठीक है जो स्काई ब्लू कलर है अब कौन है जैसे आई एल फर्दर जूम इट ओके okay, ये देखिए यहाँ पे बना था सो वी हैव असम असम में बनी थी ये बंगाल है ये बिहार और उड़ीसा का पार्ट है ये सेंट्रल प्रोविंस है ये यूनाइटेड प्रोविंस है जो प्रेजेंट डे यूपी उत्तर प्रदेश है हमारा ठीक है थीके? ये बॉम्बे है ठीक है ये मद्रास है और ये आ गया जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यहां पे ऊपर अब कहां कहां नहीं बनी थी तो खाली पंजाब और सिंध में नहीं बनी थी तो यहां कौन सी बनी थी पंजाब में बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में इसने मिनिस्ट्री बनाई थी और यूनाइटेड पार्टी ने बनाई थी सिंध में ये देखिए सिंध का जो एरिया है वो रेड कलर का मार्क है यहां पर यूनाइटेड पार्टी ने बनाया था और ये जो डार्क ब्लू कलर का जो एरिया है ये है यूनाइटेड पार्टी यु, सॉरी यूनिस्ट पार्टी आ, जो कि पंजाब में जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी ठीक है बाकी जो ब्राउन कलर का शेड है वो तो प्रिंसली स्टेट्स थी ठीक है राजा महाराजा और राजा की जो स्टेट्स थी जिन्होंने जिनका ऑब्वियसली ब्रिटिश के अंडर डायरेक्टली डायरेक्टली कोई इलेक्शंस वगैरह का आ, कुछ नहीं था प्रोविजन यहाँ पे ठीक है तो ये तो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो ब्राउन कलर की हैं ओके तो दीज ऑल आर दी स्टेट्स जहाँ पे मिनिस्ट्रीज बनी थी कांग्रेस की व्हिच वाज 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल इन दी प्रोविंसेस ये हमने अभी डिस्कस किया ठीक है ओके अब क्या हुआ जैसे ही कांग्रेस ने ये मिनिस्ट्रीज बनाई वैसे ही कांग्रेस की जो प्रेस्टीज है वो और इंक्रीज हो गई अमंग द मासेस अमंग द पीपल एंड पीपल हैड एक्चुअली जो मासेस हैड ग्रेट एंथुसियाज्म बहुत ही एंथुसियाज्म एनर्जी से जो है काफी लोग भर गए कि मतलब उनकी जो आप कह सकते हो क्योंकि कांग्रेस को तो इस टाइम पे काफ़ी ज्यादा मानते थे सभी क्योंकि वो इंडिपेंडेंस दिलाने में कांग्रेस ही जो सबसे बड़ी पार्टी थी विच वॉज इन्वॉल्व ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है लोगों के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार थी या चुनी गए चुने गए लोग थे क्योंकि इस टाइम तक काफ़ी लिमिटेड जो है फ्रेंचाइजी थी वोट डालने के लिए काफ़ी लिमिटेड लोगों को यहाँ उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि एटीन अबव सभी वोट डाल सकते हैं जो आज की डेट में है जिसको हम एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था उस टाइम पे काफ़ी लिमिटेड उस टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कि कितनी लैंड है कितने कितनी वेल्थ है या कितनी क्वालिफिकेशन है उस टाइम पे उस उन बेसिस पे देवर सर्टन बेसिस जिस जिसपे यह मतलब तय किया जाता था कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो वोट डालने के एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है ठीक है तो काफी लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी आज के टाइम की तरह नहीं था ठीक है तो बट स्टिल जो है कांग्रेस की हम देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलैरिटी थी और और हर प्रोविंस में जो है कांग्रेस ने अपनी जो है मिनिस्ट्री बनाई एक्सेप्ट फॉर सिंध एंड पंजाब ओके नाउ केम 1938 वाला जो सेशन था आई का ठीक है जिसको किसने कौन प्रेसिडेंट थे यहां बने सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये प्रेसिडेंट बने आई के इन 1938 ओके okay? और ये इंपॉर्टेंट रखना 1938 का जो सेशन है जो सुभाष चंद्र बोस जिसके प्रेसिडेंट थे कि इस टाइम पे एक नेशनल एक प्लानिंग कमेटी बनी थी ठीक है जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू और बनी किसकी एडवाइस पे थी ऑन द एडवाइस ऑफ मेघनाथ साहा ठीक है मेघनाथ साहा के एडवाइस पे एक कमेटी बनी थी मेघनाथ साहा के एडवाइस पे कमेटी बनी थी जिस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी ठीक है जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो थे सुभाष चंद्र बोस जी याद रखिएगा 1938 की बात है ये ठीक है ओके नाउ अभी 1938 का ही खैर हम सेशन डिस्कस कर रहे थे जहां पे मैंने आपको बताया कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी उसी ये जो सेशन है 1938 का ये कहाँ हुआ था ये हुआ था हरिपुरा में हरिपुरा इज इन गुजरात ठीक है तो हरिपुरा गुजरात में ये सेशन हुआ था 1938 का जिसमें प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस जी हु अ लेफ्ट विंग सपोर्टर अब देखिए यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है लेफ्ट विंग सपोर्टर ये बेसिकली लेफ्ट विंग सपोर्टर क्या था अभी बताती हूँ आपको एंड हैड रेवोल्यूशनरी अप्रोच फॉर Uh, national freedom struggle as opposite of Gandhi Ji and was gaining popularity in masses. Deekhe. इसमें क्या है जैसे मैंने हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मैंने डिस्कस किया था कांग्रेस में जो है मॉडरेट्स थे जिनको नरम दल हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट थे जिनके गरम दल था एक्सट्रीमिस्ट जिनको रेवोल्यूशनरी आइडिया जैसे बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय विपिन चंद्रपाल वो किस में इन्वॉल्व थे वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में इन्वॉल्व थे मॉडरेट्स भी थे ठीक है जो पुराने लीडर्स थे काफी आ, जो कांग्रेस के वो मॉडरेट्स थे ठीक है तो हम तो हम गांधी जी को भी एक टाइप का मतलब हम मॉडरेट कह सकते हैं कि जिनको मतलब गांधी जी ने तो टुगेदर एक नई ही एक सत्याग्रह एक एक नई ही दिशा जो है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को दे दी थी ठीक है तो आइडियोलॉजी जो थी गांधी जी की उनकी भी काफी हद तक थोड़ी सी हम कह सकते मॉडरेट टाइप की थी कि प्रेयर पेटिशन है ना इस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस अहिंसा के रास्ते पे चलो तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो थी ये रही अप्रोच गांधी जी की ठीक है इनकी ही ऑपोजिट अप्रोच जो थी वो थी लेफ्ट विंग के नेताओं की तो लेफ्ट विंग के जो नेता थे या जो लीडर्स थे उसमें इंपॉर्टेंट थे एक तो सुभाष चंद्र बोस जी और एक जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये दोनों जो है ये मेन लीडर मैं लेफ्ट विंग सपोर्टर्स के बोलूंगी लेफ्ट विंग सपोर्टर का मतलब है जिन जिनकी एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच थी एक रेवोल्यूशनरी जिनकी मतलब आइडियोलॉजी थी ये बात करते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कि कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमें ठीक है हमें कोई जो है ब्रिटिश के अंडर हमें कोई सेल्फ गवर्नमेंट टाइप नहीं चाहिए हमें डायरेक्ट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें आजादी चाहिए ठीक है हमें डायरेक्ट जो है पूर्ण स्वराज चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो कुछ रेवोल्यूशनरी थॉट जो थे हमें ब्रिटिशर्स के आगे कोई अपीज नहीं करना है हमें ब्रिटिशर्स के आगे कोई वैसा कुछ प्लीज नहीं करना है उनको ठीक है वी आर नॉट हेयर टू प्लीज ब्रिटिशर्स इनकी ये आइडियोलॉजी थी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी की ठीक है ये ये जो है इनको लेफ्ट विंग सपोर्टर कहते हैं और बाकी हो गए जी राइट विंग सपोर्टर ठीक है राइट विंग सपोर्टर का मतलब हो गया जैसे राइट uh, विंग right uh, वो लोग हो गए सॉरी हाँ राइट विंग ठीक है राइट right विंग वो लोग हो गए आप लगा लीजिए कि जैसे आप uh, जैसे पुराने मॉडरेट्स थे उस टाइप के ये राइट right विंग आप लगा लीजिए कि जो प्रेयर पेटिशन इन चीज़ों में बिलीव करते थे और वो कहते थे कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड से अपनी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चलाएंगे जैसे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे उनका ये कहने का मतलब था ठीक है तो जो आ, राइट विंग जो लेफ्ट विंग सपोर्टर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते थे कि काउंसिल एंट्री को बायकॉट करो ठीक है और जो जैसे जो स्टार्टिंग में जैसे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है कॉल्ड ऑफ कर दिया था गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट के बाद तो इनका ये मानना था कि उसको आ, जो है सिविल डिसोपिडेंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ नहीं करना चाहिए था उसको चलाते रहना चाहिए था सिविल डोसोपिडेंस मूवमेंट को इतनी बड़ी मास स्ट्रगल थी तो उसको चलाते रहना चाहिए था ठीक है तो ये एक राइट right विंग और लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजीज जो हैं ये क्रिएट हो गई थी विद इन कांग्रेस ठीक है कांग्रेस में एक राइट विंग आइडियोलॉजी और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो है ये स्टार्ट हो चुकी थी तो मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट विंग के जैसे जो सपोर्टर्स थे देवर सुभाष चंद्र बोस हैं जवाहरलाल नेहरू और राइट right विंग के जो सपोर्टर्स हैं वो जो पुराने मतलब जो लीडर्स जो थे

तिरुपरी सेशन या फिर इसको तिरुपरी क्राइसिस भी कहा जाता है आई के नाइनटीन का क्राइसिस क्यों कहा जाता है अभी पता चलेगा देखिए क्या हुआ कि ये जो सेशन है नाइनटीन थर्टी नाइन में हुआ था तिरुपुरी सेशन का तिरुपुरी अब कहां पे है तिरुपुरी त्रिपुरा में नहीं है ठीक है इज इन जबलपुर प्रदेश तो बेसिकली तिरुपुरी प्रदेश में इतना आप याद रखिएगा ठीक है तिरुपुरी सेशन कहाँ हुआ था प्रदेश में हुआ था यहाँ पे क्या हुआ अब 38 में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो ऑलरेडी प्रेजिडेंट बन चुके थे 39 में भी सुभाष चंद्र बोस का मन था कि 39 में सुभाष चंद्र बोस अगेन वॉन्टेड टू बिकम प्रेजिडेंट ना वाई ही वॉन्टेड टू बिकम प्रेजिडेंट क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को यह लगता था कि अगर कोई राइट विंग का जो सपोर्टर है वो अगर अब कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपीज़ करने की कोशिश करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रेयर पटिशन इस टाइप की चीज़ें करेंगे जो सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे ठीक है उनको डर था कि कहीं ठीक है इस तरीके से मतलब आ, ये था एक्चुअली ठीक है सुभाष चंद्र बोस जो नहीं चाहते थे कि कोई राइट विंग का सब जो कोई लीडर है वो बने प्रेसिडेंट तो उन्होंने कहा कि भाई मैं फिर से प्रेसिडेंट बनूंगा ओके तो अब इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने गांधी जी अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है इसको क्राइसिस क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक एक Uh, सीधी सीधी आपको एक रिफ्ट देखने को मिलेगी बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में बहुत एक बहुत ज़बरदस्त टकराव आ गया था बहुत ज़बरदस्त रिफ्ट आ गया था और रिफ्ट किस चीज़ का था आइडियोलॉजी का डिफरेंस था ठीक है uh, गांधी जी को uh, सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी uh, पसंद नहीं थी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ठीक है तो गांधी जी डिड नॉट एक्चुअली वॉन्ट कि या, सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेजिडेंट बने ठीक है तो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो आई के प्रेजिडेंट बने तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया ये पताभी सीतारमैया जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के पताभी सीतारामैया ठीक है आंध्र प्रदेश टाइम का टाउन ये है पताबी सीतारमैया तो पताबी सीतारमैया जी को बोला कि आप इलेक्शन लड़िए नेताजी सुभाष चंद्र के खिलाफ ठीक है तो इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ी मतलब ये इलेक्शन किस चीज की है प्रेजिडेंटशिप कांग्रेस की प्रेजिडेंटशिप के लिए भी इलेक्शन होती थी ठीक है अब लेकिन ये है कि ये इलेक्शन इतनी बड़ी कभी हमने नहीं डिस्कस की क्यों क्योंकि इसमें ये यूनानिमस डिसीजन होता था इसमें कुछ नहीं कोई जो भी बोलता था कि भाई मैं कांग्रेस का मैं प्रेजिडेंट बनूंगा इस बार तो सारे उसी उन्हीं के लिए वोट डाल देते थे कोई इतना कोई खतरनाक इलेक्शन नहीं होती थी ठीक है ऑलरेडी डिसाइडेड ही होता था कि कौन प्रेसिडेंट बनेंगे ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता था ठीक है तो अब यहां पे जब जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो अगर पहले जैसे कोई सेशन था तो उसमें बोल देते थे कि अच्छा ठीक है इन्होंने बोला है कि तो इन्हीं को प्रेसिडेंट बना दो ठीक है लेकिन यहां पे गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेजिडेंट बने तो इसीलिए गांधी जी ने पताभी सीतारामैया को बोला कि भाई आप इलेक्शन लड़िए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ठीक है तो प्रेजिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस के लिए तो फाइनली होता क्या है इलेक्शन होती है लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो मेजोरिटी जीत जाते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं कुछ कुछ वोट से जो है 250 300 के करीब कुछ वोट थे जिससे सुभाष चंद्र बोस जो है इलेक्शन जीत जाते हैं पताभी सीतारामैया से ठीक है तो फिर फाइनली कौन बन जाता है प्रेसिडेंट uh, सुभाष चंद्र बोस जी बन जाते हैं जिस पे गांधी जी को बहुत मतलब बहुत दुखी दुखी हो जाते हैं बेसिकली गांधी जी वॉज एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड कि uh, सुभाष चंद्र बोस जो है वो लीडर uh, बने ठीक है वो प्रेसिडेंट बने ओके okay? तो बट होता ये है कि इस टाइम पे एक बहुत हम कह सकते हैं रिफ्ट जो है सुभाष चंद्र बोस और uh, जो राइट right विंग के जो सपोर्टर्स थे उनमें आ जाती है जो राइट right विंग के सपोर्टर थे वो नेताजी को एक्यूज कर रहे थे और जो बोस थे वो आप कह सकते हो राइट विंग के लीडर्स को अक्यूज़ कर रहे थे डायरेक्टली बहुत कॉन्फेंट्रेशन थी ठीक है और आ, डिफरेंस किस में था परसेप्शन में था बोस को ये लगता था कि जो राइट विंग के जो लीडर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो फेडरल स्ट्रक्चर पर मान जाएंगे वो बोलेंगे कि जी फेडरेशन फेडरेशन स्ट्रक्चर पर वो मान जाएंगे कि फेडरेशन स्टेटस जो है वो कंट्री को दे दो जो सुभाष चंद्र बोस किसी भी सिचुएशन में नहीं चाहते थे ऐसा हो तो एक्चुअली क्या हुआ बहुत ही ज़्यादा इंटरनल स्ट्राइफ मतलब प्रसेप्शन की लड़ाई जो आप कह सकते हो आइडियोलॉजी की लड़ाई जो है इस टाइम में कांग्रेस के बीच छिड़ गई थी जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया फाइनली सुभाष चंद्र बोस को यह लगा कि प्रेसिडेंट बनने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे कोई काम तो करने नहीं दे रहा यहां पर सिर्फ लड़ाई ही हो रही है तो इस लड़ाई मतलब इतने ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस जो है वो आप कह सकते हो इरिटेट हो गए इस चीज़ से कि इन्होंने क्या किया रिज़ाइन दे दिया अपनी प्रेजिडेंटशिप से तो सुभाष चंद्र बोस जी रिज़ाइंड फ्रॉम दी प्रेजिडेंटशिप ऑफ दी कांग्रेस ठीक है तो ये आप याद रखिएगा 1939 की ये बात है ठीक है और फिर उनके रेजिग्नेशन के बाद क्यों रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने क्योंकि ये राइट right विंग के और लेफ्ट विंग का क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस ये लेफ्ट विंग के सपोर्टर थे तो राइट right विंग और लेफ्ट विंग की जो आइडियोलॉजीज थी आपस में इंटरनल रिफ्ट इतना बढ़ गया कि इन्होंने से रिजाइन दे दिया ठीक है और रेजिग्नेशन के बाद कौन बना तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो इंटरम प्रेजिडेंट बनते हैं कांग्रेस के आफ्टर दी रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी ठीक है देन सुभाष चंद्र बोस जो हैली फोर्टी में अपना फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाते हैं कौन सी पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनाते हैं कहां पर यूनाइटेड प्रोविंस में यानी कि उत्तर प्रदेश का जो आज का एरिया हम कह सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंस में अपना अपनी जो है पार्टी बनाते हैं उनाव में पर्टिकुलरली ठीक है इंक्लूडिंग जितने भी लेफ्ट विंग के कांग्रेस के मेंबर्स है विद इन कांग्रेस ठीक है तो विद इन कांग्रेस पार्टी एक और पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक ठीक है इसको याद रखिएगा ओके okay. नाउ इसी में देखिए 1939 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है व्हिच इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है सितंबर 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में सितंबर 1945 में ही एंड भी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है 45 में एंड हो गई थी अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमारे नेशनलिस्ट हमारे इंडियन नेशनल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या असर पड़ा ठीक है क्या रिजल्ट रहा तो ये हम इसमें देखेंगे ओके नाउ व्हाट हैपन देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जहां तक बात है क्या हुआ था कि बेसिकली यहां पे दो पावर्स थी ऐसे थोड़ा आपको बता देती हूँ इसमें क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ठीक है दो पावर्स थी एक तरफ थे एलीज ग्रुप एलाइड ग्रुप भी कह सकते हो आप एलाइड ग्रुप एक तरफ थी एक्सेस ग्रुप ठीक है एलाइड ग्रुप में कौन कौन था जैसे कि आ, मतलब ये ब्रिटेन था फ्रांस था पोलैंड था पोलैंड तो था ही पोलैंड में ही मेन प्रॉब्लम हो गई थी ठीक है और यूएसए था लेटर ऑन यूएसएसआर भी था ठीक है तो ये आ, हमारी एलिड पावर्स थी ठीक है एक्सेस पावर में कौन इन्वॉल्व थी जैसे जर्मनी ठीक है मेन जर्मनी इटली जापान ये कुछ मेन कंट्रीज के नाम है ऐसे और भी बड़ी कंट्रीज थी ये कुछ मेन कंट्रीज के नाम है ठीक है अब हुआ क्या कि सितंबर में जैसे कि जर्मनी जो है वो पोलैंड पे अटैक कर देती है तो बेसिकली जर्मनी और यूएसएसआर की पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था बट लेटर ऑन विल सी कि 1941 में जर्मनी जो है वो यूएसएसआर पे भी अटैक कर देती है और यूएसएसआर की फिर एंट्री हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन 1941 फोर्टी पर्टिकुलरली ठीक है अब क्या हुआ कि जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पे अटैक किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया ठीक है फिर जो ब्रिटेन है उसने भी उसने जर्मनी पे क्योंकि क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था तो इसीलिए ब्रिटेन को जो है वो जर्मनी पे अटैक करना पड़ा ओके तो इस वजह से जो है ब्रिटेन की एंट्री हो जाती है फिर आ, मतलब बिगनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओनली ओके अब होता क्या है इसमें कि जो कांग्रेस सॉरी uh, जो ये ब्रिटेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ठीक है यहां पे उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था यहां पे लिनलित गो था वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस टाइम पे वॉइस रॉय कौन आ गया था यहां लिलित गो अब लिलित गो ने क्या किया ललित गो जो कि वॉइस रॉय रहा इंडिया में फ्रॉम थर्टी सिक्स टू फोर्टी थ्री नाइनटीन थर्टी सिक्स से फोर्टी थ्री तक लिल्लित गो जो है यहाँ प्रेजिडेंट रहा सॉरी वॉइस रॉय रहा लिलिथ गो ने क्या किया कि इंडिया को इंडिया की पार्टिसिपेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिक्लेयर कर दी ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है ब्रिटेन की साइड से लड़ेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विदाउट कंसल्टिंग एनी इंडियन लीडर किसी इंडियन लीडर को ना उन्होंने uh, कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात की ना उन्होंने मुस्लिम लीग से बात की ना उन्होंने लिबरल पार्टी से या किसी और पार्टी से Uh, उन्होंने बात की डायरेक्ट जो है इंडियन की इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिक्लेयर uh, uh, कर दी ठीक है तो जिस चीज़ से इसी चीज़ से नाराज होते हुए हम कह सकते हैं इसी चीज़ के खिलाफ जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री जो बनी थी अब हमने डिस्कस किया था कि 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी काफी प्रोविंसेस में ठीक है नियर अबाउट सेवन एट प्रोविसेज में जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज यहाँ पे जितने भी कांग्रेस मिनिस्ट्री जो बनी थी उन्होंने 1939 में रिजाइन दे दिया था इसी चीज के प्रोटेस्ट में कि भाई आप बिना पूछे बिना किसी से पूछे आप इंडियन इंडियंस पार्टिसिपेशन कैसे डिक्लेयर कर सकते हो अपने साइड से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ठीक है तो ये हुआ था ओके okay. अब क्या हुआ इसमें उस, इसके बाद क्या हुआ एक मीटिंग होती है वारधा में ठीक है एक मीटिंग होती है वारधा में इन सितंबर टेन मतलब सितंबर uh, दस से चौदह सितंबर के बीच में नाइनटीन थर्टी नाइन में जो है ये डिस्कशन होती है ठीक है कि इंडियन Indian, की इंडियंस का क्या टेक होना चाहिए ब्रिटिश सपोर्ट की वर्ल्ड वार टू में कि जो वर्ल्ड वार टू जो है क्या उसमें इंडियंस हमें सपोर्ट करना चाहिए वर्ल्ड वार टू में ब्रिटेन को या नहीं करना चाहिए इस चीज़ की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सी की मीटिंग होती है वारदा में सेप्टेम्बर टेन टू फोर्टीन ठीक है ये डिसाइड करने के लिए तो गांधी जी का क्या टेक था गांधी जी कहते हैं कि सपोर्ट करना चाहिए हमें वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहिए अब क्यों सपोर्ट करना चाहिए गांधी ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि देखिए एक तरफ मैंने भी डिस्कस किया कि एक्सिस पावर थी जिसमें जर्मनी का एडोल्फ हिटलर था ठीक है इटली थी जो कि फैसिज्म की लाइंस पे चलती थी जापान थी अभी कहते हैं कि भाई जो जर्मनी है या जो इटली है ठीक है ये तो टोटल मतलब ये टोटैलीटेरियन इनकी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो टोटेलेटेरियन है टोटेलेटेरियन का मतलब होता है जिसमें डिक्टेटरशिप है ठीक है पूरी स्टेट की अथॉरिटी है तो गांधी जी को ये लगा गांधी जी कहते हैं कि भाई इन नाजीज़ को या इन टोटेलेटेरियन नाजीज़ को जो कि जर्मनी में थे इन इनको सपोर्ट करने से अच्छा है हम हम ऐसी कंट्री को सपोर्ट करें जो कम से कम डेमोक्रेसी की लाइंस पे तो चल रही है क्योंकि जो ब्रिटेन की ब्रिटेन अगर हम यूके की बात करें वहां पे तो डेमोक्रेसी ही थी ठीक है बट मतलब अगर इन्होंने बात तो की कि वो डेमोक्रेसी के लाइन पे चल रही है बट इंडिया में वो कौन सी डेमोक्रेसी दे रहे थे ठीक है आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डि डिड मतलब इंडिया में तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं ठीक है पर चलिए जो भी है इनके प्रसप्शन था कि हम ब्रिटेन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं ठीक है हम टोटेलिटेर नाजीज को या जर्मनी को हम सपोर्ट इसमें नहीं करेंगे ठीक है उसके बाद आ जाता है जे व्यू सुभाष चंद्र बोस जी का सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमें इस वॉर में किसी को भी फेवर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसको ब्रिटेन को देखें ठीक है अगर हम यूके की ही बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल या फ्रांस की बात करते हैं इनकी इन्होंने तो पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी तो ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि चाहे आप एक्सिस पावर की बात ले लो चाहे आप एलिज पावर की बात ले लो दोनों ही इंपीरियलिस्ट नेचर की हैं दोनों ही इंपीरियलिस्ट नेचर की हैं दोनों की ही कॉलोनीज हैं हर जगह जर्मनी की भी कॉलोनीज हैं हर जगह ठीक है और जापान की कॉलोनीज हैं और यूके की ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं फ्रांस की कॉलोनीज हैं हर जगह तो दोनों ही अपने इंटरेस्ट के लिए दोनों ही इंपीरियलिस्ट कंट्रीज़ हैं ठीक है तो इसमें कोई एक्चुअली कोई बनता नहीं है कि हम किसी को भी सपोर्ट करें तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि दोनों में से किसी भी साइड को सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट हमें इस सिचुएशन का हमें एडवांटेज लेना चाहिए और हमें अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए हमें इस सिचुएशन का फायदा लेके हमें अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए और हमें फिर से सिविल डिसोडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देना चाहिए ठीक है अब एंड में बात किसकी मानी गई तो जवाहरलाल नेहरू जी की बात मानी गई बीच में जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की अब ये मानना था वो ये कहते हैं कि एक ऐसी कंट्री मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो ऑलरेडी मतलब जो आ, जो गुलाम देश है ठीक है तो एक जो गुलाम देश है वो दूसरों के लिए कैसे लड़ सकता है जो खुद गुलाम है वो दूसरों के लिए कैसे फाइट कर सकता है इट के नॉट फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ अदर कंट्रीज सिंस हम अभी खुद जो हैं खुद हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं ठीक है तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मतलब प्रॉमिस करती है और हमें इमीडिएट इंडिपेंडेंस दे देती है और या फिर ये कहती है कि वॉर के बाद जब वॉर जो है ख़त्म होती है ये प्रॉमिस करती है कि हमारी कंट्री को आज़ाद कर दिया जाएगा इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा तब हम पार्टिसिपेट करेंगे अदरवाइज हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ठीक है जिस चीज़ को ललित गो वाइस रॉय लिलित गो ने इस डिमांड को नहीं माना कंप्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया लेकिन ये भी सच था कि ब्रिटिश को ज़रूरत पड़नी ही थी इंडियंस की ये भी सच था लेकिन इस टाइम पे जो वाइस रॉय जो है लिलित गो उसने इस इस डिमांड को नहीं माना कि आफ्टर दी जब ये वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल जाएगी ये चीज़ नहीं मानी इन्होंने ठीक है तो इसी इशू पे जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था अक्टूबर 1939 में इसी इशू पे जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था जब इन्होंने ये जब लिलिफ गो ने ये डिमांड नहीं मानी थी ठीक है तो इस चीज़ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के काफ़ी प्रोमिनंट लीडर थे पहले कांग्रेस के भी रहे लीडर ठीक है तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ को कहा इंडियन मुस्लिम से कहा कि हम इसको डे ऑफ डेलीवरेंस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे किस चीज़ को जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिजाइन दे दिया था इस चीज को डेलिवेंस डे सेलिब्रेट करेंगे ऑन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर नाइनटीन थर्टी नाइन ठीक है डेलीवरेंस का मतलब होता है सेटिंग अप ऑफ फ्री ठीक है तो एक्चुअली जिन्ना जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कांग्रेस uh, की मिनिस्ट्री जब फॉर्म हुई थी कांग्रेस की जब मेजोरिटी बनी थी स्टेट्स में जब मिनिस्ट्रीज uh, बन गई थी तो जिन्ना uh, तो दुखी था ही ठीक है ऑब्वियसली जिसको पावर नहीं मिलेगी वो तो दुखी होगा ठीक है तो जब ये मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन दे दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज हैप्पी मतलब उसने कहा कि भाई ये तो ठीक हो गया कि इन्होंने रिजाइन दे दिया है ठीक है बड़े पावर में बैठे हुए थे ठीक है तो इस वजह से उसने कहा मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि डे मनाते हैं ऑन ओके देन केम ऑगस्ट ऑफर ठीक है ऑगस्ट ऑफर okay. क्या था एट ऑगस्ट 1940 फोर्टी को ये होता है ऑगस्ट ऑफर का मतलब एक ऑफर है ठीक है जो कि ऑगस्ट में हुआ ऑफर किसने दिया ऑफर दिया ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ठीक है ऑफर दिया ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स के साइड पे वॉइस रॉय लिलिथ गो ने ऑफर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को पैसिफाई करने के लिए उनको ऑफर दिया कि भाई हम आपको डोमेनियन स्टेटस कभी ना कभी दे देंगे अनसर्टन फ्यूचर में जिस फ्यूचर की कोई बात नहीं थी कुछ पता नहीं था कुछ अता पता नहीं था कब तो पर उसने कहा कि हम डोमेनियन स्टेटस आपको दे देंगे और एक पोस्ट वॉर जब वॉर खत्म हो जाएगा तो एक बॉडी बनाएंगे एक टाइप की एक कमेटी बनाएंगे जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्ट होगा और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपैंड करेंगे एंड इट वाज टोटली रिजेक्टेड बाय कांग्रेस क्योंकि इसमें कोई एक्चुअली कोई कंक्रीट uh, बात नहीं थी कोई सॉलिड बात नहीं थी ऐसे ही बात थी कि डोमिनियन स्टेटस आपको कभी दे देंगे इस तरीके से बात की थी विच कांग्रेस रिजेक्टेड जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे तो डोमिनियन स्टेटस जिसका भी कुछ पता नहीं है उस पर कहाँ कांग्रेस ने मानना था ठीक है तो दिस वॉज एक्चुअली रिजेक्टेड बाय कांग्रेस ये ऐसे ही ऑगस्ट ऑफर जो है दे दिया 1940 में ब्रिटिशर्स ने ओके okay. देन Uh, अभी यहां तक हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं फोर्टी तक यहां ऑगस्ट ऑफर की हमने बात कर दी ठीक है इसको छोड़िए अब हम बात करते हैं डिमांड फॉर पाकिस्तान की ठीक है डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है देखिए डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है यानी कि एक सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ओके यानी कि एक सेपरेट कंट्री कि इंडिया को डिवाइड करके एक सेपरेट कंट्री जो है पाकिस्तान बना दी जाए जिसमें मजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन हो ये डिमांड कैसे स्टार्ट हुई थी ये हम अभी डिस्कस करेंगे इस पर ठीक है तो देखिए हुआ क्या था कि ये बेसिकली जब मुस्लिम लीग जब फॉर्म ही हुई थी ना 1906 में दिस वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुस्लिम दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बनी थी उसी टाइम पे मतलब तभी से ए, एक धारणा ये थी ये मुस्लिम लीग क्यों बनी थी या क्या सिचुएशन थी कि जो मुस्लिम्स हैं ना वो एक्चुअली इतने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं मुस्लिम्स जो हैं दे डिड नॉट फॉर्म लाइक एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये था कि मुस्लिम्स जो है वो एजुकेशन से काफ़ी डिप्राइवड हैं मुस्लिम्स जो है वो बड़ी जॉब्स जो हैं इलीट क्लास मतलब कि अगर इलीट जॉब्स या इलीट क्लास से डिप्राइव्ड हैं ठीक है और जो ज़्यादा ऑब्वियसली क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी मुस्लिम्स की उस टाइम पे भी ठीक है माइनॉरिटी में थे तो इतने प्रिवलेजेस आप कह सकते हैं कि मुस्लिम्स के पास नहीं थे उस टाइम पर तो जो मुस्लिम सेक्शन थी जो कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे उनको जो या जो कुछ लीडर्स थे उनको ये लगा कि हमें इंडियन मुस्लिम्स को आगे लेके जाना चाहिए उन उनकी प्रिविलेजेस के लिए कुछ काम करना चाहिए ठीक है तो ये जो है स्टार्टिंग से ही खैर ये चीज थी उसके बाद देन ठीक है अब उसके बाद फिर क्या हुआ ये पहले से ही कुछ रियलाइजेशन थी मुस्लिम लीडर्स में ठीक है कि इंडियन मुस्लिम लीडर्स जो है दे आर सम वॉट डिप्राइव्ड ठीक है ऑफ द प्रिवलेजेस अब फिर इलेक्शंस जब हुए 1937 के उस इलेक्शंस के बाद तो जो मुस्लिम लीग थी उनमें उनमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई कि भाई उनको कोई आ, कोई हमने ये पहले डिस आ, हमने डिस्कस कर लिया कि उनकी कोई मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं हुई थी जिसकी वजह से उनको लगा कि भाई हम तो कभी पावर में ही नहीं आएंगे इस हिसाब से ठीक है वी विल नॉट कम इन टू पावर और अगर हम पावर में नहीं आए तो हम मुस्लिम इंडियन पॉपुलेशन की बेनिफिट्स के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये कुछ थी ठीक है सेपरेट होमलैंड uh, की कुछ ये थी ठीक है फिर क्या होता है ये कुछ फैक्ट्स हम यहां देख लेते हैं कि 1930 में अलामा मोहम्मद इकबाल ठीक है प्रेसिडेंट थे ये अलाहाबाद सेशन की मुस्लिम लीग की जो अलाहाबाद सेशन हुई थी अलाहाबाद सेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का 1930 में उसके ये प्रेसिडेंट बने और उन्होंने बात की थी इन्होंने बात की क्रिएशन ऑफ सेपरेट होमलैंड की विद इन इंडिया उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम जो इंडिया है उसके अंदर एक सेपरेट होमलैंड दे देना चाहिए मुस्लिम्स को ठीक है उन्होंने देखिए कोई यहाँ पे पाकिस्तान टर्म की ऐसा कोई बात नहीं हुई थी कोई पाकिस्तान वर्ड उस टाइम उन्होंने कहीं यूज नहीं किया था उन्होंने बस इतनी बात कही थी कि एक सेपरेट होमलैंड दे देना चाहिए मुस्लिम्स को जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हो और ताकि उनके इंटरेस्ट को सेफ किया जाए ठीक है उसके बाद आ जाते हैं जी चौधरी रहमत अली चौधरी रहमत अली जो हैं एक स्टूडेंट भी थे और साथ साथ में पढ़ाते भी थे ठीक है तो चौधरी रहमत अली जो हैं इन्होंने क्वाइन किया था ये टर्म ये जो नाम है पाकिस्तान जो नाम है ये किसने टर्म ये किसने क्वाइन किया था चौधरी रहमत अली ने किया था क्वाइन और कब किया था नाइनटीन में याद रखेगा तो नाइनटीन एक आपने याद रखना है जब मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अकबाल जी ने जब क्या किया था अलाहाबाद सेशन में मुस्लिम लीग में जब इन्होंने बात की थी कि सेपरेट होमलैंड दे देना चाहिए 1933 में एक्चुअली जो पाकिस्तान वर्ड जो है वो क्वाइन हुआ था ठीक है ये पिक्चर आप देख सकते हैं किनकी है ये पिक्चर है जिन्ना की मोहम्मद अली जिन्ना की ठीक है ये पिक्चर है लाहौर सेशन की अब देखिए लाहौर सेशन जो है नाइनटीन का लाहौर सेशन ऑफ 1940 फोर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है जिन्ना थे मोहम्मद अली जिन्ना थे इस टाइम पे क्या हुआ था देखिए मुस्लिम लीग जो है सबसे पहले ओके okay, सबसे पहले जो प्रपोजल है सेपरेट पाकिस्तान का मतलब एक सेपरेट कंट्री एक सेपरेट टेरिटरी वाइज एक सेपरेट एरिया दे दिया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान ठीक है और ये और मतलब इट वाज एक्चुअली ये टू नेशन थेरी ठीक है जिन्ना की इसको ही टू नेशन थेरी कहते हैं कि एक सेपरेट होमलैंड दे दिया जाए फॉर मुस्लिम मेजोरिटी ओके तो ये प्रपोजल जो है ये दिया था मुस्लिम लीग के सेशन में ये जो है सेपरेट पाकिस्तान की बात की गई थी ये कब हुआ था ये लाहौर सेशन था कब हुआ था 1940 में हुआ था जहां पे जिन्ना ने अपनी टू नेशन थ्री दी थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इसको याद रखिएगा ठीक है लेकिन हाँ यहाँ पे जिन्ना ने ना एक एक पूरी एक आप कह सकते हो एक काफी एक स्पीच दी थी ठीक है लाहौर सेशन में जिन्ना जिन्होंने का, काफी बड़ी एक स्पीच दी थी तो लेकिन इसकी पूरी स्पीच में जिन्ना की जो पूरी जो स्पीच थी वहां उसमें कहीं पे भी पाकिस्तान टर्म का नाम नहीं था ठीक है ऐसा सच ही डिड नॉट यूज उस टाइम पे मतलब ये तो था कि सेपरेट जो है एक होमलैंड जो है पाकिस्तान एक मुस्लिम्स को दे देंगे बट हाँ पाकिस्तान वर्ड इतना ज़्यादा उस टाइम पे यूज में नहीं आया था वो तो खैर बाद में फिर यूज़ आया ओके तो यहाँ पे जिन्ना ने कहीं पर भी पाकिस्तान वर्ड ऐसा यूज़ नहीं किया था बट हाँ सेपरेट होमलैंड की बात हो रही थी मुस्लिम्स के ठीक है तो जिसको टू नेशन ने कहा था कि एक सेपरेट नेशन दे दो ओके नैन देन इन नाइनटीन फोर्टी थ्री जो है कराची सेशन हुआ था नाइनटीन फोर्टी थ्री में मुस्लिम लीग का कराची सेशन हुआ था जहां पर एक स्लोगन अडॉप्ट किया गया था डिवाइड एंड क्विट ठीक है फिर हम कैबिनेट मिशन प्लान जो भी आगे देखेंगे हम आगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में जिसकी फेलियर हो गई थी फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान इसमें भी जो ये आइडिया है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया सेपरेट नेशन uh, का ठीक है सेपरेट एक सेपरेट देश का जो आइडिया जो है ये ज़्यादा फॉर्म हो गया था 1946 एंड ऑब्वियसली जो गांधी जी जो हैं उन्होंने टू नेशन थ्री को रिजेक्ट कर दिया था कंडेम्ड कर दिया था क्योंकि जिन्ना ने कुछ मतलब जिन्ना की जो आ, आपके सब पे तो स्पीच है उसमें उन्होंने कुछ ये कहा था कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में देर इज़ अ कल्चरल डिफरेंस इन बोथ दी और समथिंग करके तो जिसमें गांधी जी ने कहा कि मैं इनकी स्पीच से बहुत दुखी हूँ ठीक है क्योंकि आ, आ, ये हमने स्टार्टिंग से ही देखा है कि ठीक है तो यहाँ पे जो है गांधी जी ने ये कहा था कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ ये सुन के कि कुछ डिफरेंसेस हैं क्योंकि हम मैं हम नहीं मानते हैं कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं ठीक है ऐसा कि रिलीजन के बेसिस पे हमारी जो कंट्री है उसको सेपरेट कर दिया जाए तो उन्होंने डायरेक्टली टू नेशन थेरी को रिजेक्ट किया था गांधी जी ने ठीक है तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर ठीक है तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखी थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो है 1932 में होती है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है ठीक है फिर लखनऊ सेशन होता है 1936 का जिसमें प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जिसमें बात होती है इलेक्शंस की कि 1937 का इलेक्शन हम लड़ेंगे फिर आता है फेजपुर सेशन ऑफ 1937 इसमें भी प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जिसमें बात होती है कि हाँ जी मिनिस्ट्री भी बनाएगी कांग्रेस ठीक है फिर जो है 1937 में हो जाते हैं इलेक्शंस जिसमें हम देखते हैं कि नियर अबाउट एट प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस uh, की मिनिस्ट्रीज बनती हैं ठीक है 28 एट ऑफ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस जिसको हम कहते हैं ठीक है फिर 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो हरिपुरा सेशन में हरिपुरा विच इज़ इन गुजरात उस सेशन में बनते हैं प्रेजिडेंट फिर तिरुपुरी सेशन आता है नाइनटीन का ठीक है 1939 का तिरुपुरी सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन दे देते हैं यहाँ पे हमें सामने सामने एक रिफ्ट जो है बिटवीन आइडियाज ऑफ गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में हमें दिखता है जिस वजह से नेताजी जो है वो रिज़ाइन दे देते हैं और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं नाइन टू नाइनटीन में वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं यूनाइटेड प्रोविंस में ठीक है फिर आती है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो भी थर्टी में स्टार्ट हो जाती है थर्टी से फोर्टी तक सेकंड वर्ल्ड वार चलती है ठीक है जिसमें जो है इंडियंस पार्टिसिपेशन मना कर देते हैं कहते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंस दो तो फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे ओके तो जिसको रिजेक्ट कर, मतलब ये जो है ब्रिटिशर्स जो है वो नहीं मानते ऑब्वियसली फिर वो ऑगस्ट ऑफर देते हैं नाइनटीन में जिसको कांग्रेस नहीं मानती ठीक है फिर डिमांड फॉर पाकिस्तान हमने डिस्कस किया कि जो डिमांड फॉर पाकिस्तान है ठीक है वो सबसे पहले 1930 में जो है मोहम्मद इकबाल जी जो हैं उन्होंने सेपरेट होमलैंड की बात की थी फॉर इंडियन मुस्लिम्स। दैन चौधरी रहमत अली इन 1933 ही क्वाइंड द टर्म पाकिस्तान आफ्टर दैट लाहौर सेशन जो है नाइनटीन का जिसमें प्रेजिडेंट बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ही टॉक्स अबाउट टू नेशन थ्ररी की यहाँ बात होती है कि सेपरेट होम ठीक है अगैन जिसको गांधी जी रिजेक्ट कर देते हैं टू नेशन थ्री को ओके okay? सो so, उसके बाद उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगी जिसमें हम देन 40 के बाद 1940 के बाद जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जैसे कि क्रिप्स मिशन आया फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया लॉट टू तो नो ठीक है तो दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर बाय कीप स्टार्टिंग